नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अनोखी आवाज। मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना की तर्ज पर महिलाओं को साधने के लिए महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने भी अब युवाओं को सांस रखने के लिए लाडला भाई योजना का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र सरकार 12वीं पास युवाओं के लिए लाडला भाई के नाम से एक खास योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाले और ग्रेजुएशन करने वालों को अलग अलग राशि दी जाएगी। इस योजना में 12वीं पास करने वाले छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए, डिप्लोमा कर रहे छात्रों को 8,000 रुपए, वहीं जो छात्र एजुकेशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उन्हें हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम एकनाथ शिंदे की इस घोषणा को इसी साल होने वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार ने चुनाव से कुछ महीने पहले ये घोषणा कई वर्गों को साधने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विपक्ष युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को बीते लंबे समय से उठाता रहा है। शिंदे सरकार ने युवाओं के लिए आर्थिक मदद का ऐलान कर एक तरफ से विपक्ष को भी जवाब दिया है। इस योजना का ऐलान करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि इस योजना के तहत हमारी सरकार राज्य के युवाओं को उन कारखानों में अप्रेंटिस करने के लिए पैसे देने जा रही है जहां वे काम करेंगे। इतिहास में यह पहली बार है कि किसी सरकार की ऐसी योजना पेश की है। इस योजना के माध्यम से हमने बेरोजगारी का समाधान ढूंढ लिया है। इस योजना के तहत हमारे युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिस मिलेगी और सरकार उन्हें वजीफा देगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाया था। उन्होंने विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं मध्य प्रदेश की लाडली योजना की तरह ही महाराष्ट्र के युवाओं के लिए, लड़कों के लिए योजना लाने की मांग करता हूं। आज लड़की और लड़कों में कोई फर्क नहीं है, ऐसे में हमें लड़कों और लड़कियों को एक समान ऐसी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। देश दुनिया और अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।